मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस लाइन देहरादून में पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर शहीद स्मारक पर पुलिस एवं अर्ध सैन्य बलों के शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की और उत्तराखंड के शहीद पुलिस जवानों के परिजनों को सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर चार घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि सेवा के दौरान पुलिस कर्मियों की अकाल मृत्यु होने पर आश्रित परिवारों को तत्काल 1,00,000 रूपये आर्थिक सहयोग दिए जाने के लिए पुलिस शहीद कल्याण कोष के लिए 2 करोड़ रुपए की धनराशि दी जाएगी। अराजपत्रित पुलिस कर्मचारियों का निशुल्क वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाएगा। अगले 3 वर्षों में पुलिस कर्मियों के आवास के लिए 100 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया जाएगा। पुलिस विभाग में मृतक आश्रितों की भर्ती संबंधी अड़चनों को दूर किया जाएगा। अर्धसैनिक बलों एवं पुलिस संगठनों के जवानों को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उत्तराखंड राज्य के अंदर भी 4 पुलिस के जवानों ने अपने कर्तव्य को निभाते हुए अपनी शहादत दी, उनको भी मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वहीं पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर एसडीआरएफ वाहनी जौलीग्रांट द्वारा अमर वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर एसडीआरएफ के उप सेनानायक विजेंद्र दत्त डोभार ने राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा के दौरान अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए शहीद हुए पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों को याद कर उनको नमन किया।